दिया। जब आप किसी को एक ग्लास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट, तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोब्स प्योर वाटर सॉल्यूशन। श्री सर्वेश चंदोस्वी जी की वर्ष 2014 में 14 पुस्तकें प्रकाशित करके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होना, वर्ष 2015 में 15, वर्ष 2017 में 16 पुस्तकें निरंतर प्रकाशित होना, वर्ष 2017 में 17 पुस्तकों का विमोचन होना, साहित्य जगत में एक कीर्तिमान स्थापित करना है। ट्रू मीडिया टीम की शुभकामना है कि श्री चंदोस्वी जी का यह सिलसिला यूं ही अनवरत चलता रहे। ट्रू मीडिया को गौरव अनुभव हुआ कि सनों के अद्भुत साहित्यिक उत्सव का साक्षी बना और विशिष्ट अतिथियों के पुस्तक विमोचनकर्ताओं में ट्रू मीडिया के संपादक ओम प्रकाश प्रजापति का शामिल होना। इसके लिए ट्रू मीडिया श्री सर्वेश चंदोस्वी जी, दादा मंगल नसीम और सुमित भार्गव, कलावती प्रकाशक को साधुवाद देता है। इस साहित्यिक यज्ञ के अध्यक्ष श्री जगदीश मित्तल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गोविंद व्यास, श्री विजेंद्र गुप्ता रहे। सभी अतिथियों का सम्मान सर्वेश चंदोसी जी ने शॉल व पुष्पहार से किया। मंच का संचालन मंगल नसीब जी ने किया। दिल्ली के हिंदी भवन में दिल्ली NCR के सैकड़ों साहित्यकार इस उत्सव के साक्षी बने। आज सर्वेश चंदोस्वी जी की 17 पुस्तकों का हिंदी भवन दिल्ली में एक साथ विमोचन हुआ है। मुझे लगता है ये केवल दिल्ली ही नहीं, भारत के किसी अन्य शहर में नहीं, वरन दुनिया में घटित होने वाली एक अद्भुत और ऐतिहासिक घटना है। एक साथ इतने विषयों पर इतनी विधाओं में उन्होंने लेखन किया है, बहुत ही स्तरीय लेखन किया है, और मुझे लगता है कि यदि सही ढंग से इस बात का मूल्यांकन किया जाए तो ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बजाय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली घटना है। मैं सर्वेश जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मुझे लगता है कि उनका लेखन इस प्रकार का है कि शब्द उनके आगे नृत्य करते हैं, रस उनके आकर खुद समर्पित भाव से रस की निष्पत्ति करने लगते हैं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सुमित भार्गव है, मैं मंजुली प्रकाशन में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का कार्यक्रम श्री सर्वेश चंदोस्वी जी की 2017 में सज्ञ प्रकाशित 17 काव्य और कहानी संग्रहों पर आधारित है। सर्वेश चंदोस्वी जी और हमारा ये जो जुड़ाव है ये 2014 से है। 2014 में इनकी 14 पुस्तकें आई थी जिन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नामांकित किया गया, और 2015 में 15 आई, 16 में 16, 17 में 17। इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो आगे भी 2020 तक की कड़ी ऐसे ही चलती रहेगी और जल्दी इसे हम गिनीज बुक में भी भेजेंगे। और ये अनुभव है कि कैसे मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा, बहुत ही सुखद अनुभव है एक प्रकाशक के तौर पे, एक पाठक के तौर पे, कि हमारे पास इतना सारा गज़ल से जुड़ा हुआ इतना सारा सामग्री एक ही व्यक्ति से हमें मिल रही है, और वो खुद अपने आप में बहुत ही सहज और सरल और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और बस क्या कहूँ, आप सबको धन्यवाद। यहाँ आकर, यहाँ बैठकर इतनी सारी पुस्तकों का लोकार्पण में शामिल होकर बहुत सुख का अनुभव हो रहा है। सर्वेश जी एक उस्ताद शायर हैं और उनकी शायरी इतनी तीव्रता से मन को छूती है जिसे व्यक्त करना शब्दों में आसान चीज़ नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि मेरे मित्र जो शब्द इस कार्यक्रम में आए हैं, इन रचनाओं को, उनकी रचनाओं को, उनके शब्दों को न केवल ग्रहण करें बल्कि उन्हें गुने भी। धन्यवाद, नमस्कार। जी मेरा नाम अंकुर वैश्य है और मैं सर्वेश चंदोस्वी का सबसे छोटा सुपुत्र हूँ। मैं गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि 2014 में मेरे पिताजी की 14 किताबें, 15 में 2015, 16 में 16, और ये साल 2017 में 17 किताबें आ रही हैं। मैं अपने आप को बहुत लकी भी महसूस कर रहा हूं और पूरा परिवार हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस साल उन्होंने एक और रिकॉर्ड कायम किया है। एक रिकॉर्ड पहले भी लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में आ चुका है और हम आशा करते हैं कि गिनीज वर्ल्ड में भी उनका नाम आए। थैंक यू। मैं वसुधा कनुप्रिया, आदरणीय सर्वेश चंदोस्वी जी को आज उनकी 17 पुस्तकों का विमोचन हुआ है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
और हमारे लिए वो गुरु समान है और हम चाहते हैं कि जैसा उन्होंने प्रण लिया है कि 2018 में 18 पुस्तकें और फिर 2019 और 20 में 19 और 20 पुस्तकें लाएं, तो उन विमोचनों का भी हम हिस्सा बने, वो भी हम अपनी आँखों से देखें वो सुंदर नज़ारा। बहुत बहुत बधाई, मैं प्रेषित करती हूँ उनको। मैं भूपेंद्र सचदेवा हूँ, हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई हूँ, लेखन मेरी रुचि है और आज मैं हिंदी भवन में उपस्थित हूँ सुरेश सर्वेश चंदोसवी जी की पुस्तक लोकार्पण के लिए, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि वो जिंदगी भर इसी तरह लिखते रहें, साल दर साल यूं ही। आज उनकी 17 पुस्तकों का विमोचन हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि 18वें साल में 18 पुस्तकें और लगातार ऐसे ही 99 क्या 100 वर्ष तक और वो जिए और अच्छे से लिखते रहें। धन्यवाद। माननीय सर्वेश चंदोसवी जी का 2017 में 17 पुस्तकों का आज विमोचन हिंदी भवन में हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर करे 2020 तक इनका प्राण आइए हमेशा सफल रहे। मैं रीता, जय हिंद। ये जो 17 किताबें हैं ये इसलिए अपने आप में अनोखी हैं कि इसमें 8 कहानी संग्रह हैं, एक पूरी गज़ल का छंद शास्त्र है उस पर किताब है, और इसमें 2 किताबें स्वतंत्र शेरों की हैं, 2 मतले हैं, 2 दोहों के संग्रह हैं और 2 मुक्तकों के संग्रह हैं। तो ये जो विविधता है, ये विविधता जो है अपने आप में इतनी यानी कठिन साधना का स्वरूप है कि हर किसी शायर के लिए ऐसी चुनौती है कि जो यानी अभी तक तो किसी भी किस शायर के द्वारा संपन्न नहीं किया गया है, क्योंकि स्वतंत्र शेरों के संग्रह लाना बहुत बड़ी बात है। गज़लों का मैं यानी अगले 18 में मैं 18 गज़लों के संग्रह पेश करूंगा, और ये जो है 17 किताबें आज आई हैं, यहाँ लोगों ने जो है इस तरह से मेरा मान सम्मान बढ़ाया है और ट्रू मीडिया के माध्यम से मुझे जो बोलने का अवसर मिला है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी टीवी चैनल की पकाऊ खबरों से ऊब चुके हैं तो कुछ नई खबरों के लिए, कुछ नयापन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का जो निशान है बराबर में उसे बजाना बिल्कुल ना भूलें।